आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका है, दूसरी तारीख खत्म हुई और आज हम तीसरी शब में इस वक्त यहां बैठे हैं। ये माह मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से एक बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है। हुजूर की विलादत बासआदत भी इसी माह मुबारक में हुई, अगरचे तारीख के बारे में इख्तलाफ है। हुजूर का इंतकाल भी इसी माह मुबारक में हुआ और वो मुत्तफक अलैह तारीख है, 12 रबीउल अव्वल असल में हुजूर का यौम वफात है। और अक्सर मुहक्किकीन की राय यह है कि आपका यौम विलादत जो है वो 9 रबीउल अव्वल है। यही वजह है कि मुझे याद है कि हमारे बचपन में इस दिन को जो लोग कुछ थोड़ा बहुत मनाते भी थे तो 12 वफात के नाम से दर हकीकत ये नाम याद किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, कुछ खाना पकाकर कुछ गरीबों को मसाकीन को खिलाना, ये दर हकीकत चीज थी कि जो अब होते होते उसने बहुत ही एक दूसरी सूरत इख्तियार कर ली है। अब ये एक जश्न बन गया है और एक ईद का सा समा, बल्कि वाकया ये है कि जो असल दो ईदें हैं वो कहीं पीछे चली गई हैं और ये जो दो ईदें हमने ईजाद की हैं, एक ईद मिलादुल नबी और एक ईद इस्तिक्लाल, अगर हम जायजा लें तो शायद ये दो जो है ये ज्यादा फोरग्राउंड में आ चुकी हैं। लेकिन ये कि जहां तक आपकी विलादत और आपके वफात का इस माह मुबारक में होना है वो साबित है। मजीद बड़ा हुजूर का वरूद मदीना मुनव्वरा में भी माह रबीउल अव्वल में हुआ है। इस पहलू से अगर इस माह मुबारक में हम सीरतुल नबी के मुताले का एक खास मौजू रखें किसी तारीख के तायुन के बगैर, इस महीने की मुनासबत से सीरत मुतहरा पर गुफ्तगुएं हो, गौर व फिक्र हो और उसमें भी अमली पहलू सामने हो, इत्तेबा का जज्बा हो, समझना समझाना इसलिए हो कि उस पर अमल करना है, तो यकीनन ये चीज हमारे लिए बहुत मुफीद होगी और हमारे बहुत से अमराज का शायद इससे मदावा हो सके।